हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। मैं हूं जुगल शर्मा और आपसे इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करूंगा। जैसा कि हर किसी के मन में कभी ना कभी एक क्वेश्चन जरूर आता है कि पढ़ तो लिया लेकिन याद नहीं होता, और ये क्वेश्चन हमें एग्जाम टाइम पे ज़्यादा परेशान करता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ याद ही नहीं है, जो भी हमने पढ़ा है हम उसको भूल चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही कहूंगा कि हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि हमें कुछ भी याद नहीं है, बल्कि हमें उस पर फोकस ही नहीं करना है कि हमें क्या याद है और क्या याद नहीं है। हमें फोकस किस पे करना है? हमें फोकस करना है कि हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है, क्या क्या टॉपिक हमारे पढ़ने अभी बाकी रह गए हैं और हम उन टॉपिक्स को कवर कैसे कर सकते हैं। हमारा मेजर फोकस इसी चीज पर होना चाहिए, ना कि इस पर कि हमें क्या याद है क्या याद नहीं है। ठीक है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमें कुछ याद नहीं है, लेकिन जब हम एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं तो हमें, आपने बचपन से अब तक कितने ही एग्जाम दिए होंगे, हर बार आपको ऐसा लगा होगा कि मुझे कुछ याद नहीं है। और आपने देखा होगा जब आप एग्जाम हॉल में होते हो तो आप अपने आप लिख रहे होते हो किसी क्वेश्चन का आंसर, या फिर अपने आप आपको याद आ जाता है, तो उतना काफी है। ठीक है, आपका फोकस किस पे होना चाहिए? सिलेबस कवर करने पर होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें पढ़ा हुआ याद नहीं रह पाता है। तो इसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो बौद्धिक क्षमताएं अलग हों बच्चों की, या फिर उनकी अप्रोच ही गलत हो पढ़ने की। तो इन दोनों में से आपका क्या प्रॉब्लम है वो आपको देखना है। सिस्टमेटिक अप्रोच का मतलब क्या होता है? कुछ लोग क्या करते हैं, जब पढ़ते हैं किताब को तो वो एक बार तो बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन जब दूसरी बार पढ़ते हैं तीसरी बार पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि बोर हो रहे हैं, ये पढ़ तो लिया मैंने टॉपिक, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जब हम पहली बार पढ़ते हैं तो पहली बार में आपको पता होगा कि पूरा हिस्सा हमारे माइंड में नहीं जाता है, हम बहुत कम गेन कर पाते हैं। 60% तो मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, तो बहुत कम हम गेन कर पाते हैं उसमें से। ठीक है, तो हमको रिवीजन की जरूरत होती है, हमको बार बार पढ़ना चाहिए। और पढ़ने का भी तरीका क्या होना चाहिए कि हमें क्विज बेसिस पे पढ़ना चाहिए। क्विज बेसिस का मतलब है हमें हर लाइन पे क्वेश्चन बनाते हुए पढ़ना चाहिए, जिससे हम बोर नहीं होंगे। ठीक है, केवल हमको रीडिंग नहीं करनी है, हर लाइन से क्या क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि आप राजस्थान जीके पढ़ रहे हो, इतिहास पढ़ रहे हो, मान लो आपने महाराणा प्रताप टॉपिक पढ़ रहे हो। अब आपको केवल पढ़ना नहीं है कि महाराणा प्रताप ने इसका जन्म यहाँ हुआ कैसे हुआ, आपको क्वेश्चन बनाना है हर लाइन में से क्वेश्चन। जैसे पहली लाइन आपने पढ़ी कि महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ किले में हुआ, इस पर आपको क्वेश्चन बनाना है कि महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ, फिर आप मन में उसका आंसर दोगे कि यहाँ पे हुआ। इससे क्या होता है, आप जब क्वेश्चन का आंसर देते हो तो आप उसको बार बार रिवाइज कर रहे होते हो। ठीक है, जैसे कि आपको बचपन में बोला भी होगा टीचर्स ने कि लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए हमको। ठीक है, क्या करना चाहिए, कोई टॉपिक पढ़ा हमने, उस टॉपिक में से आप 5-10 क्वेश्चन अपने मन से बना लो, ठीक है, फिर उनका आंसर राइटिंग करने की प्रैक्टिस करो। जरूरी नहीं है ये मेंस एग्जाम के लिए काम में आए, ये अप्रोच ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए भी काम में आती है, क्योंकि इससे क्या होता है हमारा रिकॉलिंग की क्षमता बढ़ती है। हमने पढ़ तो लिया एक बार, लेकिन हमको याद कितना रहा है ये हम कैसे जांचेंगे, ये हम जांचेंगे। आपको एक बार टॉपिक पढ़ना है, फिर उसके बाद किताब को बंद करके रख देना है दूसरी जगह, एक ब्लैंक पेपर लेना है और आपको क्या क्या याद है उसमें से वो आपको लिखना है उस पर। ठीक है, इस प्रकार आप देख पाओगे कि आपको क्या याद रहा है, जो फिर अगर आपको याद नहीं रहा है तो उन चीजों को दोबारा याद करिए। ठीक है, एक तो ये अप्रोच आप अपना सकते हो क्विज वाली, ठीक है, इससे आपकी एफिशिएंसी जरूर बढ़ेगी। दूसरा आपको क्या करना है, आपको प्रेशर नहीं डालना है कि पूरे, देखो सबके पास टाइम सेम होता है, टॉपर्स के पास भी ऐसा नहीं है कि 24 घंटे से ज्यादा होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि टॉपर्स के नंबर ज्यादा आते हैं और लोगों के, यानी कि आपके नंबर कम रह जाते हैं, कभी आपने सोचा है? टॉपर्स सिस्टमेटिक अप्रोच से चलते हैं, उनके पास पूरे दिन का प्लान होता है कि हमें सुबह उठ के कल क्या पढ़ना है, पूरे दिन का प्लान होता है, अगले दिन का पूरा प्लान उनके पास होता है कि हमें कल ये टॉपिक्स कवर करने हैं, ये सब्जेक्ट करनी है, ये पेपर देना है हमको, इस पेपर का एनालिसिस करना है, सब उनके पास होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जरूरी नहीं है आप दिन में 10 घंटे पढ़ो, आप 3 घंटे भी पढ़ रहे हो दिन में
तो मन लगा के पढ़ो, ठीक है, फोकस के साथ पढ़ो। इसके लिए आपको क्या करना है, डिस्ट्रैक्शन से बचना है। डिस्ट्रैक्शन आजकल हम सभी अपने जेब में लेके घूमते हैं, मेजर डिस्ट्रैक्शन है सबका मोबाइल। तो मोबाइल को पढ़ते टाइम आपको या तो एरोप्लेन मोड पे लगा देना है या स्विच ऑफ कर लेना है, ठीक है। स्विच ऑफ नहीं कर सकते तो आप ऐसा करो कि उसको साइलेंट मोड पे कर दो, लेकिन मोबाइल आपकी टेबल से दूर होना चाहिए। दूसरी बात, टेबल की बात करी तो आपका पढ़ने का स्पेस ऐसा होना चाहिए जहां पे आपको डिस्टरबेंस कम हो, लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। आपके आसपास अगर हो सके तो पेड़ पौधों की लाइटिंग, सनलाइट आनी चाहिए, प्रॉपर लाइट आनी चाहिए बाहर से नेचर की, ठीक है। इससे आपको पढ़ने में अच्छा मन लगता है। इसके अलावा बीच बीच में ब्रेक भी आपको लेने चाहिए। ऐसा नहीं कि लगातार 3 घंटे आप पढ़े जा रहे हो। शुरू शुरू में तो आपको अच्छा लगता है, 1 घंटे आप अच्छे से याद कर पाते हो, लेकिन बाकी के 2 घंटे आपकी इफिशियंसी धीरे धीरे कम होती जाती है। तो आपको क्या करना है, इससे बेटर यह है कि आप 45 मिनट पढ़िए, सभी लोग बताते भी हैं ये, 45 मिनट पढ़िए, 15 मिनट का ब्रेक लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर 45 मिनट पढ़िए, 15 मिनट का ब्रेक लीजिए। इसके अलावा आप ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहे, इससे भी कभी कभार हमें बोरियत फील होती है कि हम एक ही सब्जेक्ट को लगातार 4-5 दिन में हम सोचते हैं कि यार पहले इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लूं मैं, उसके बाद दूसरी पढ़ूंगा। कभी कभार हम अपने आप पे थोपने लगते हैं उस चीज को कि नहीं मुझे ये सब्जेक्ट करनी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आई थिंक आपको क्या करना चाहिए कि अगर आप उस सब्जेक्ट से बोर हो रहे हो तो कुछ टाइम के लिए उस सब्जेक्ट को छोड़कर आप दूसरी सब्जेक्ट उठा सकते हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है। बहुत से लोग क्या करने लगते हैं, आज ये पढ़ लिया, कल वो पढ़ लिया, कल कोई सा टॉपिक पढ़ लिया, ऐसे भी नहीं करना है। आपको सिस्टमेटिक अप्रोच में ही चलना है कि इस टॉपिक, इस सब्जेक्ट का मैंने ये टॉपिक तक कंप्लीट कर लिया, उसको मार्क करके रख देना है कि ये कर लिया है मैंने, इसके बाद आगे पढ़ना है। ऐसा नहीं कि वापस से वही पढ़ रहे हो। कभी कभार क्या होता है, हम पढ़ते रहते हैं गिने चुने टॉपिक को, बार बार पढ़ते रहते हैं और पूरा सिलेबस ही कवर नहीं हो पाता है। ऐसा नहीं करना है, हमको पूरा सिलेबस कवर करना है। सबसे पहले एक बार सिलेबस को तो रीड करना ही है, उसके बाद रिवीजन करना है, ठीक है। तो सिलेबस को पूरा कंप्लीट करना है। एक चीज मैं देखता हूं कि नोट्स, हम कभी कहीं के नोट्स ले लिए किसी के, देखो नोट्स खुद के बनाने चाहिए, नोट्स पर्सनल होने चाहिए हमेशा। मैंने भी किसी के भी नोट्स फॉलो नहीं किए, मैं खुद के नोट्स बनाता था, खुद के नोट्स से ही मैं पढ़ता था। तो नोट्स खुद के होने चाहिए, किसी दूसरे के नहीं, ठीक है। इसके अलावा एक मेजर जो आपका रैंक इंप्रूव कर सकता है वो फैक्टर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या होता है, आपको टॉपिक के बारे में अंदाजा लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सिलेबस के बारे में पता लग जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाएं। इसके अलावा देखो, याद करने की सबसे बेस्ट तरीका, आपने सभी ने सुना होगा, हमको मूवीज बहुत जल्दी याद आ जाती है। ये एग्जाम्पल सब टीचर बताते हैं और आपने सभी ने सुना भी होगा। तो उसका रीजन है, आपको पता है, स्क्रीन को हम जब कहानी की फॉर्म में पढ़ते हैं, स्टोरी की फॉर्म में, तो हमको याद रह जाती है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, माइंड मैपिंग करनी है। देखो माइंड मैपिंग लाइफ में भी जरूरी है, हमारे को कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है डेली लाइफ में भी, तो भी हमको माइंड मैपिंग करनी चाहिए। माइंड मैपिंग का मतलब है हमको प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के बिंदु खोजने चाहिए, माइंड में एक मैप बनाना चाहिए कि इस तरीके से ये सॉल्व हो सकती है, ठीक है। ऐसे ही हमने कोई टॉपिक पढ़ा है तो उसको माइंड मैपिंग कर सकते हैं। माइंड मैपिंग का ही दूसरा तरीका है लिख के याद कर सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। माइंड मैपिंग का मतलब है हम माइंड में उसको रिकॉल कर रहे हैं बैठ के थोड़ी देर, ठीक है। ऐसा नहीं कि रीडिंग करते जा रहे हैं तो वो तो अपने साथ धोखा है। रीडिंग करो थोड़ी देर, उसके लिए 15 मिनट बैठ के उसको याद करो। एक टॉपिक पढ़ लिया, उसको थोड़ी देर टाइम दो याद करने के लिए, रिकॉल करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी दोस्त के पास बुक देखी दूसरी तो उसको भी ले लेंगे, किसी और के पास कोई दूसरी बुक देख ली ऑथर की उसको भी ले लेंगे। हम लोग क्या करते हैं, सामग्री इकट्ठा करने में लग जाते हैं, यार ये बुक अच्छी है, वो बुक अच्छी है। भाई आपके पास जो बुक पहले है उसको तो कंप्लीट कर लो। सबसे पहला काम आपको ये होना चाहिए कि एक बार सिलेबस एक बुक से कंप्लीट करो, एक बार सिलेबस एक बुक से कंप्लीट करो। सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए। उसके बाद जब आप एक बार पढ़ लो, दो बार पढ़ लो एक बुक से, तब आप और बुक की तरफ भी जा सकते हो और नोट्स की तरफ जा सकते हो। इसके अलावा आप टेस्ट बुक और पेपर टेस्ट भी दे सकते हो, ठीक है। मैंने भी नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी के नाम से एप्लीकेशन बनवाया हुआ है, उस पर टेस्ट सीरीज मैंने भी चालू कर रखी है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। मॉक टेस्ट आपको बहुत देने चाहिए, इससे क्या आपकी प्रैक्टिस होती है, ठीक है। तो इन चीजों से आप अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो, आपकी रैंक इंप्रूव कर सकते हो और याद रखने में आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। थैंक यू।